नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत। मैं हूं आपका अपना होस्ट देवेश शुक्ला। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी 3 बिग अपडेट के बारे में कि कोरोना का टेस्ट आप करा के जाएं या फिर कोरोना टेस्ट वहां आपका हो जाएगा। दूसरा अपडेट यह है कि यात्रा पर्ची आप ऑनलाइन करा के जाएं या फिर आप वहां से यात्रा पर्ची ले सकते हैं। और तीसरा बिग अपडेट है अर्धकुमारी मंदिर को लेकर, अर्धकुमारी मंदिर के दर्शन चालू हुए या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोरोना टेस्ट के बारे में, क्योंकि वैष्णो देवी यात्रा करने वाले सभी तीर्थयात्रियों को बहुत कंफ्यूजन है कोरोना टेस्ट को लेके कि कोरोना टेस्ट कैसे होगा। अगर हम कोरोना टेस्ट की जांच अपने शहर से करा के जाएं तो कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मान्य होगी या फिर नहीं मान्य होगी। तो लेटेस्ट जानकारी ये है कि अगर आप अपने शहर से कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट करा के जाते हैं, अगर वो 48 घंटे पुरानी है तो आपकी रिपोर्ट मान्य है। बस वहाँ पर जो टेस्ट हो रहा होगा कोरोना का, वहाँ से सिर्फ मोहर लगा दी जाएगी आपकी रिपोर्ट में, और उसके बाद आप उसको दिखा के वैष्णो माता की यात्रा काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप अपने शहर से कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट करा के नहीं आते हैं तो रेलवे स्टेशन पे ही आपका कोरोना टेस्ट होगा। अगर आप कटरा पहुंचते हैं रेलवे स्टेशन तो कटरा पे भी आपका टेस्ट होगा। अगर आप जम्मू तवी उतरते हैं तो जम्मू तवी में भी आपका कोरोना टेस्ट होगा। अगर आप अपने शहर से कोरोना टेस्ट करा के नहीं आते हैं तो जम्मू तवी या फिर कटरा उतरते हैं तो सबसे पहले जाके आगे लाइन लग जाएंगे, तो काफ़ी आसानी से आपका कोरोना टेस्ट हो जाएगा। अगर आप बहुत आराम से ट्रेन से उतरते हैं तो लाइन लंबी हो जाती है, जिसके कारण आपका नंबर 1 से 1.5 घंटे बाद आने वाला है। इसलिए अगर आप कोशिश करेंगे ट्रेन से उतरने के बाद सबसे पहले आगे जाएंगे तो जल्दी ही आपका नंबर आ जाएगा और काफ़ी आसानी से आपका कोरोना टेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप रिपोर्ट करा के आते हैं कोरोना टेस्ट का तो फिर आपको अपनी रिपोर्ट दिखा के जा सकते हैं, अगर वो 24 घंटे की पहले की है तो। तो हम लोग तो पहले से करा के आए थे तो हम लोग जा सकते हैं अब यहाँ पे, नहीं तो बाकी काफ़ी लंबी भीड़ लगी हुई आप देख सकते हैं। दूसरा बड़ा अपडेट आया है यात्रा पर्ची रजिस्ट्रेशन को लेके। तो अभी कोरोना के बाद से जब से यात्रा शुरू हुई थी वैष्णो देवी की, तो यात्रा पर्ची का रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन ही कराना पड़ रहा था। ऑनलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आप श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते थे, लेकिन अब आप श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड के द्वारा बना हुआ कटरा में यात्रा पर्ची काउंटर पर जाके अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद आप श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि ऑनलाइन यात्रा पर्ची कराने में बहुत से तीर्थार्थियों को दिक्कत आ रही थी। तो अब आप जाके काउंटर से अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी पर्ची प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा बिग अपडेट है वैष्णो देवी आने वाले सभी तीर्थार्थियों के लिए। अभी तक अर्धकुमारी मंदिर जो कि कोरोना काल से बंद था, वैष्णो देवी यात्रा तो शुरू की गई लेकिन अर्धकुमारी मंदिर पूरी तरीके से बंद रखा गया था, लेकिन अब अर्धकुमारी मंदिर जो कि खोल दिया गया है भक्तों के लिए, आप अर्धकुमारी मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी भी गुफा के अंदर प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित कर रखा है, सिर्फ बाहर से ही आप गुफा के दर्शन कर सकते हैं और अर्धकुमारी में स्थापित मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो ये 3 बिग अपडेट थे वैष्णो देवी आने वाले सभी तीर्थयात्रियों के लिए। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है वैसे ही हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे नया अपडेट लेके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। तो अब आप आसानी से जा सकते हैं वैष्णो देवी की यात्रा करने, अब कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको वैष्णो देवी की यात्रा करने में, क्योंकि सब कुछ खुल गया है, ना कोरोना की दिक्कत है, ना यात्रा पर्ची की दिक्कत है, ना कोई और दिक्कत है। तो प्रेम से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की।